भाई सर हमारी गाड़ी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, देखो कॉपी लेके। गाने चला रखे हैं गाने। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सुलम मलिक व्लॉग्स। होप करते हैं आप सब भाई बढ़िया होगे। तो यार अभी मैं जा खड़ा हूँ ना वहाँ से, मैं पहले तो बिजली की इतनी इतनी करंट की आवाज़ आ रही है, देखो ये खम्बा। और मैं बता दूँ अभी मैं कहाँ हूँ भाई, अभी मैं गाड़ी देने आया हूँ शोरूम पे सर्विस के लिए, क्योंकि यार बड़ा टाइम हो गया था सर्विस हुई भी नहीं, तो उसमें थोड़ी डिस्क वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी उसकी, डिस्क ब्रेक वगैरह में। तो मैं तो आ गया हूँ एक्टिवा पे, खड़ी अपनी एक्टिवा और साहिल आ रहा है गाड़ी से। तो यार मैं ना आज अपना फ़ोन भी भूल गया जिससे मैं ब्लॉग करता हूँ, तो मैं पुराने वाले फ़ोन से ही कर रहा हूँ ब्लॉग। देखना थोड़ी सी क्लैरिटी ऐसी वैसी आ जाए तो यार मैनेज कर लेना, कोई बात नहीं। तो यार अभी साहिल आ रहा है गाड़ी लेके, फिर अंदर चलेंगे। खर्चा मोटा बैठने वाला आज पता है। एक तो बड़े दिन बाद सर्विस कराओ भाई, होंडा की गाड़ी लेनी है आसान बात नहीं है, क्योंकि भाई होंडा की सर्विस इतनी महंगी है ना भाई, पूछो मत। जब आप करवाने जाओगे ना तब पता लगेगा। एक तो कंपनी वाले इतना इतना इशू निकाल देते हैं, फिर यार बाहर से करवाने का मन भी नहीं करता कि बाहर से करवा लो सर्विस। चलो कोई बात नहीं, करवानी तो है ही, करवाते हैं फिर भाई। जैसे गाड़ी लाता है वो फाटक बंद था, फाटक में फंस गया होगा, फटाफट आता है तो फटाफट दे के फिर। ये होंडा का जहाँ पे सर्विस सेंटर बना हुआ ना, यहाँ पे आसपास सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। तो एक बार आपको मैं कैमरा घुमा के दिखाता हूँ, ये देखो मतलब सारी ए टू जेड बड़ी फैक्ट्रीज है यहाँ पे। पता नहीं यार अब किस किस चीज की है तो मुझे पता नहीं है भाई। ये आ गई अपने सामने से गाड़ी, मोटे खर्चे के लिए तैयार है ये पूरी। तो फुल डीजे वीजे चला गया गाड़ी में, गाने वगैरह। पहले यहाँ पे एंट्री होएगी, फिर इंस्पेक्शन होएगी, मैं आपको दिखाऊंगा सारा ब्लॉग में एक बार। तेज गाने चला रखे हैं, गाने इतने तेज चला रखे हैं, ब्लॉग बन रहा है भाई। यहाँ सामने देखो कितनी सारी एक्सीडेंटल कार पड़ी खड़ी हुई है, किसी यार देखो कोई आगे से देखो पूरा बम्पर खत्म है, मतलब सारा इंजन सब उखड़ा हुआ है इसका। दो उधर देखो बैक से, यहाँ गाड़ी की सर्विस होती है भाई, और यहाँ पे अपनी भी जाएगी, पहले इंस्पेक्शन होगी भाई। कैमरे की क्लैरिटी कम आ रही होगी, प्लीज़ मैनेज करना भाई। सर हमारी गाड़ी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, देखो कॉपी ले गए, कमी देख पूरी अंदर तक इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं साहिल। फोटो फोटो सब देखो कैसे खींचने लगा, इतने तो कभी नहीं हुई, पहले पहली बार कर रहे हैं ना ये भी देख भाई। इतना मोटा पर्चा बना के दे दिया, इतने तो हमारी गाड़ी में कमी नहीं है, इतने पर्चा बना के दे दिया। कितना है खर्चा बताया? 15,000 रुपए लगेंगे लग सम सारी चीज में, दो तीन कमी हो रहा है। पिछली बार भी तो कमी थी, कई कमी रह गई थी यहाँ पे, यहाँ से करवाई थी भाई। इनको कहो ना यहाँ आके तो पूरा करते, हाँ जी सर हम करवा देंगे, यहाँ करवा देंगे करवा देंगे। जब घर गाड़ी ड्रॉप करवाते हैं भाई इतनी कमियां निकलती है ना, फिर इनको बोले मानते नहीं है। बाकी इस बार आपकी बार तसल्ली से समझा दिया ना हिंदी में भाई, चलती है इनकी। हाँ पैसे नहीं देंगे, काट देंगे पैसे इनके। चलो भाई निकलते हैं घर पे, सीधा घर चल के मिलते हैं भाई। अभी मैं पहुंच चुका हूँ घर, गाड़ी हमने दे दी है मम्मी, हमने गाड़ी दी है हम सर्विस पे, मेरा नूर गार्डन सत्संग। चले आना एक्टिवा छोड़ाऊंगा आपको मैं, आज हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम बिना गाड़ी के घूमेंगे, आज एक्टिवा पे घूमेंगे, आज हम एक्टिवा राइड करेंगे। एक्टिवा तो हम डेली चलाते हैं यार, और उल्टा बढ़िया एक्टिवा गाड़ी से यार कई मर्जी से निकल जाती है एक्टिवा। गाड़ी तो ट्रैफिक में अड़ जाए तो वो अड़गी। अभी मैं फाटक बंद था तो मेरी बारी में फाटक बंद था, मैं तो नीचे निकाल ली फाटक के नीचे से। पता है मेरे को ये गलत चीज़ है, नहीं निकालनी चाहिए, बट मैंने तो निकाल ली फिर, और साहिल खड़ा रहा उसमें ट्रैफिक में। क्या गलत है जो एक्टिवा नीचे से निकालनी फाटक से? है तो गलती, फिर क्या हो गया? गलत चीज है ये, कुछ ना होता। अब क्या बनाया फटाफट बताओ पहले। दाल मखनी और राइस नहीं बनाई आज, क्यों नहीं है यार? चावल नहीं बनाते यार, चावल बहुत पसंद है हमारे को। कहाँ है, कहाँ पे है ये पड़े दाल मखनी? ये क्या है दाल मखनी? लोग भी कमेंट कर देंगे हाँ भाई सूप लग रहा है। ये लाइट्स जलाना तो जब भी अंधे को लगने के। ना 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 लगी सूप रहा था, इसमें क्या है? लड्डू के लिए भिगो
रखी है। शाम को राम लड्डू बनाएंगे। राम लड्डू बनाएंगे, मैं तो चल जाऊंगी बना के रख जाऊंगी तेरे। ओके। और ये चटनी भी बना। तो मजे हो गए हमारे भाई, सारी फेवरेट चीज, दाल मखनी भी मेरी फेवरेट चीज, शाम को राम लड्डू कह रहे हैं तो वो भी खाएंगे। तो हाँ जी गाइस, अभी बच चुके हैं शाम के 6:30। मैं आपको दिख गया कि मैं नहा धो के आ चुका हूँ, बढ़िया लग रहा हूँ ना अभी। कहाँ बढ़िया लगे, कपड़े ही मैंने ऐसे पहन रखे हैं यार, हमसे तो पजामा ही पहना जाता है, क्यों पहने यार जीन्स वगैरह ही देखना, हमारे तो पजामे में लुक बहुत बढ़िया लगती है। तो मम्मी ने बना रखे राम लड्डू बार, और कंगी बंगी करते हैं फिर खाते हैं, फिर निकलेंगे अकेडमी के लिए खेलने के लिए। आज आपको थोड़ा अंदर भी दिखाएंगे अकेडमी का, खेलते हुए टाइम लैप्स लगा दूंगा तो खेलते हुए दिखाएंगे। गोरा हो गया हूँ यार, पता नहीं हुआ भी हो नहीं हुआ, या अभी अभी नहा के आया हूँ तब लग रहा हूँ। बाकी चलते हैं एक बार बाहर। ये देखो ये मम्मी ने लेस के पैकेट खा खू के इधर ही घेर रखे, फैंटा वगैरह। मम्मी आप थोड़ा वो करा करो यार ढंग से। टी शर्ट तो मेरी थी यार, अब आप बोलोगे टी शर्ट तो थी, टी शर्ट तो मेरी थी, मैंने उठा ली, मम्मी कभी नहीं उठाती है रैपर वैपर खा के कभी भी। मम्मी ऐसा अच्छा ना हो, तब मोदी जी ने वैसे अभियान चला रखा, आप घरों को ही गंदा रख, आप घरों को गंदा रख रहे हो तो देश को कैसे रखोगे। मैं लेस खाती ही नहीं हूँ, सबको पता है। खा लो कसम, खा लो कसम, और क्या कसम से मोदी जी की। मोदी जी की कसम, अच्छा मोदी जी को मार रहे हो, बताओ। नहीं जब ठीक है, बीजेपी वाले भी लोग हमारे ब्लॉग्स देखते हैं भाई। मैं जब लेस खाती नहीं, मैं झूठी कसम क्यों। तो अभी भी आपने नहीं उठा रखा। मैं क्यों उठाऊं, खा के तू नहीं उठा रखा। देखो क्यों, मैं क्यों उठाऊं, क्यों आपने खाया, जो खाएगा वही उठाएगा। नहीं खाती आपने, ये देखो भाई मूली कैसे सजा रखी है, और हरी चटनी है जो मैं खाता नहीं, और ये राम लड्डू क्लीन रखा कर घर। हमारे घर में बनते रहते हैं यार, ये बहुत बढ़िया लगते हैं, आप लोग भी खाते ही होगे यार, आप लोग तो आ जाओ कभी घर में, इकट्ठे बैठे खाते हैं साथ में बैठ के। आप आने वाले बनो, हम खिलाने वाले बनेंगे आपको। तो मैं तो फटाफट खाता हूँ और फिर निकलने के लिए रेडी होते हैं। तो भाई मैं तो निकल चुका हूँ खेलने के लिए बैडमिंटन, रैकेट वैकेट कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ हमने लॉकर में ही रख रखा है वो, यार बार बार उठा के जाना पड़ता था रैकेट टांग के, फिर कभी कवर फट जाता है कुछ कुछ टांग के ना, कभी आओ पता ही यार फट जाते हैं कवर वगैरह, तो हमने वहीं पे ले लिया बैग, सबके रैकेट वहीं रख दिए, अब हम ऐसे ही जाते हैं खाली हाथ। तो चलते हैं फटाफट, एक्टिवा आ चुकी है अपनी यार, इसकी ना कोई चाबी नहीं मिल रही है, हमारे को मिल ही नहीं रही चाबी, क्या करें हम इसकी, पर अब बनवानी है। तो भाई मैं तो पहुँच चुका हूँ अकेडमी, अभी शायद कोई भी नहीं आया हमारा साथी ग्रुप का। तो देखो अकेडमी हमारी फ्लाइंग विंग्स, भाई जितना अंधेरा देखना गली में कितना है भाई, क्या क्लैरिटी दे रहा नाइट विजन में ये। मैंने तो नाइट में मतलब ऐसे यूज़ नहीं करा, लाइट में ही यूज़ करा है जहाँ पे करा है, पर क्लैरिटी भाई 15 प्रो मैक्स की बहुत बढ़िया, ले सकते हो। मैं तो पहले भी कह रहा था भाई ले लो, बढ़िया फ़ोन है, कोई दिक्कत वाला नहीं है। लोग अफवाह फैला रहे थे भाई दिक्कत है फ़ोन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भाई बच्चों वगैरह की कोचिंग चलती रहती है, देखो सारे खेल रहे हैं और सीख रहे हैं, उधर भी ये सारी जो टोपी पहने खड़े हैं कोच हैं इनके, और हम इसी कोर्ट में खेलते हैं, वो कोर्ट पहले खेलते थे अब नहीं खेलते उस कोर्ट में, अब इसमें खेलते हैं। आज का मैच हो गया अपना बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया आज का मैच खेलने में भाई, या तो पसीनो पसीन हो गया, मतलब गर्मी हो चुकी है, पहले इतने पसीने नहीं आते थे, हल्की बहुत ठंड रहती थी, बट अब गर्मी हो गई है। आज मैंने आपको सारा अंदाजा किया टाइम लैप्स में भाई, आज इन्जॉय करो आप ब्लॉग को, आज का ब्लॉग बहुत बढ़िया रहेगा, देखना ज़रूर आज के ब्लॉग को पूरा। तो यार भाई को प्यार दो इतना दे सकते हो, आपके प्यार के भूखे हम और किसी चीज़ के भूखे थोड़ना है। चलो निकलते हैं घर भाई, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर। और तो भाई पैर इतने टूट गए ना, इतनी थकान हो गई आज तो खेल खेल के, पूछो मत, इतने पैर दर्द हो रहे हैं ना, मैं आपको दिखाऊं कहाँ दर्द हो रहा है मेरा, यहाँ पे और यहाँ, नहीं तो मेरे को कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, बट आज इतनी दर्द रहा पूछ बता नहीं सकता मैं आपको, एक पेन किलर ले लूँगा जहाँ दर्द होगी। तो भाई इसके साथ अपने ब्लॉग को आज एंड करते हैं, होप करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। ओके बाय बाय, जय श्री राम।